Hello everyone, this is Sanjeev from Jyoti Academy. Today I am going to explain class 9 subject biology chapter 2 tissue topic complex permanent tissue. Previous lecture में मैंने cover किया था simple permanent tissue. आज हम topic देख रहे हैं complex permanent tissue. क्या होते हैं complex permanent tissue? Actually में ये complex permanent tissue होते हैं वो more than one type of cell से मिलकर बने होते हैं. एक से अधिक इसमें cell पाई जाती हैं. इनका कॉमन ओरिजिन होता है और ये जो सेल्स होती हैं आपस में गेट टुगेदर होकर कोऑर्डिनेट होकर एक कॉमन फंक्शन प्ले करती हैं. तो जिसमें हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम की. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो टाइप हैं. फर्स्ट है जाइलम और सेकेंड इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में. जाइलम को हम लोग बुड भी कहते हैं, बुड के नाम से जाना जाता है जाइलम को. और फ्लोएम को हम लोग वास्ट के नाम से भी जानते हैं. जो जाइलम होता है ये मेनली फोर टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है. जाइलम के जो एलिमेंट हैं वो फोर टाइप्स ऑफ सेल हैं: ट्रैकीज, बेसिल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा. ट्रैकीज, बेसिल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा ये जाइलम के कंपोनेंट्स हैं. जाइलम इन चार प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है. ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर है जाइलम बेसिल्स का, ठीक है. और ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये ट्रैकीड्स हैं और ये जाइलम पेरेन्काइमा है. इसमें जो जाइलम स्क्लेरेन्काइमा होता है वो डेड टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए इसको डेड सेल्स के नाम से भी जाना जाता है. क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नेम द एलिमेंट प्रेजेंट इन जाइलम विच इज डेड इन नेचर. इसको आपको आंसर देना है. इस वीडियो को जब पूरा आप देखेंगे, लेक्चर को पूरा सुनेंगे, तो आपको आंसर देना है, आंसर करना है कि जाइलम में ऐसा कौन सी सेल है, कौन से ऐसे टिश्यू है जो डेड के नाम से जाने जाते हैं. ये जो जाइलम बेसल आपको दिख रहा है, इसमें जो आपको रिंग दिख रही है, एक्चुअली में ये पिट होते हैं, गड्ढे होते हैं, जो कि वाटर की परमिबिलिटी के लिए, वाटर को परमिएबल, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ऐसी जो ट्रैकिड्स होता है, ट्रैकिड्स के दोनों एंड कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं, टैपरिंग होती है दोनों एंड पर. और लेकिन ये जो रिंग्स दिख रही हैं आपको, ये क्या पिट्स होते हैं जिससे कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है. ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जाइलम पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर है. जाइलम पेरेन्काइमा में क्या है, ये जो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है पेरिफेरी, ये वैक्यूल है. वैक्यूल क्या करता है, फूड के स्टोरेज का काम करता है जाइलम पेरेन्काइमा में. एक्चुअली हम कह सकते हैं कि जाइलम पेरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है. दिस इज न्यूक्लियस, इसमें ये न्यूक्लियस है, लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है. और ये आपको जो डॉटेड डॉटेड नजर आ रहा है, ये है साइटोप्लाज्म, जो सेल की वाइबिलिटी के लिए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जरूरी होता है. अगर किसी सेल में साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, तो इसका मतलब ये है कि वो सेल लाइव है, लाइव कंडीशन में है. फंक्शन क्या है जाइलम का, जो मेन फंक्शन है वो ये है, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स. जाइलम का जो काम है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना. जाइलम जो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है वो क्या है, उसकी डायरेक्शन होती है मल्टी डायरेक्शन. प्लांट के रूट को भी वाटर चाहिए, प्लांट में स्टेम को भी वाटर चाहिए, लीफ को भी वाटर चाहिए. तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है, वाटर और मिनरल्स को होल प्लांट बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट करने वाला है, उस ट्रांसपोर्टेशन का टिश्यू का जो नाम है, उसका नाम है क्या, जाइलम. इसलिए हम लोग जाइलम और फ्लोएम को कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर को पूरे होल प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो ये तो था जाइलम के बारे में. जाइलम में हम लोगों ने पढ़ा कि जाइलम का काम क्या है. जाइलम का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स, पूरी होल बॉडी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना. ये मल्टी डायरेक्शन इसकी होती है, कोई यूनिफॉर्म डायरेक्शन नहीं होती है, मल्टी डायरेक्शन में होता है. चार प्रकार की सेल से मिलकर बना हुआ होता है, ट्रैकिड्स, बेसिल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा. इन चारों सेल का जो काम है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन का है. ये इनको हम लोग वैस्कुलर बंडल के भी नाम से भी जानते हैं. वैस्कुलर बंडल का मतलब होता है जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, उनको हम लोग वैस्कुलर बंडल भी कहते हैं. कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फ्लोएम क्या है, फ्लोएम किन प्रकार की सेल से मिलकर बना हुआ है और फ्लोएम का फंक्शन क्या है. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को मैं कवर करूंगा फ्लोएम के बारे में.